नमस्कार दोस्तों सत अकाल सलाम शुरू करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट वन का तीसरा लेक्चर ठीक है इससे पहले के दो लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह की चीजें बातें हुई थी और उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट और एटॉमिक नंबर मास मास नंबर पर बातें हुई थी ठीक है वहां से आज कुछ एलिमेंट है वहां से आज कुछ एलिमेंट्री कैलकुलेशंस भी कह सकते हैं आइए डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से शुरू कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हमने बोला कि आज स्टार्ट करते हैं कुछ एलिमेंट्री कैलकुलेशंस, ठीक है स्ट्रेचोमेट्रिक कैलकुलेशंस पीछे के हमने पीछे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट लिखा था वहां से चीजों को आगे बढ़ाते हैं आ जाइए कोई एलिमेंट अगर आपने एक्स लिखा वो उसका सिंबल है और सिंबल उसके नाम से आता है यहां आप Z लिखते हो Z हमने आपको पढ़ाया Z इज एटोमिक नंबर और एटोमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटोन और इतफाक से वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है क्योंकि एटम न्यूट्रल है और इसको हमने आपको बताया पिछले लेक्चर में काफी इस पर बात भी थी यहां पर आप एटोमिक मास और मास नंबर दो चीजें लिखते हैं हमने आपको क्लियर समझाया था कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस क्या है ये जेनविनली मास है और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है नहीं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ है और ये मास था कितने एटम का वन मोल एटम्स का ग्राम में ठीक है हालांकि मैग्नीट्यूड वाइज हमने आपको क्लियर किया था पिछले लेक्चर में कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज एक ही आपको दिखता है बट चीजें कंप्लीटली दोनों अलग अलग हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है ये हम लोगों ने सीखा था आइए अब मैं आपको इस पर कुछ कैलकुलेशंस करवाऊं कुछ बातें हम लोग करें आइए सबसे पहला एप्लीकेशन मैं लेता हूं लिखता हूं सिंबल ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब्स एट्स पहला नाम दूसरा एटॉमिक नंबर तीसरा मास नंबर और चौथा एटॉमिसिटी मैं आपको थोड़ा सा टाइम चाहता हूं आप लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें किसी एलिमेंट का सिंबल किस चीज को बताता है हमने पूछा दोस्त आपसे किसी एलिमेंट का सिंबल किस चीज को बताता है पहला ऑप्शन दिया हमने नाम दूसरा ऑप्शन दिया एटॉमिक नंबर तीसरा ऑप्शन दिया मास नंबर चौथा ऑप्शन दिया चारों हो सकता है एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सोचिए किसी एलिमेंट का सिंबल किस चीज को डिस्क्राइब करता है डिफाइन करता है बताता है नाम एटॉमिक नंबर मास नंबर एटॉमिसिटी किस चीज को सोचें सिंबल ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब्स आप अगर रिकॉर्डिंग मोड में देख रहे हैं तब भी आराम से सोचें वीडियो चलते रहने दें किसी एलिमेंट का सिंबल सोचिए किन किन चीजों को डिस्क्राइब करता है बताता है नाम एटॉमिक नंबर मास नंबर और एटोमिसिटी हर टर्म से वाकिफ होना भी जरूरी है तभी तो आप समझेंगे मैं समझ सकता हूं ज्यादातर लोगों के दिमाग में इस क्वेश्चन का जो आंसर चल रहा होगा वो होगा नाम ठीक है और सेकंड दूसरे टाइप के लोग होंगे जो नाम एटॉमिक नंबर मास नंबर तीनों चीजें चलती होंगी चलिए आइए देखिए मैं दिखाता हूं मान लीजिए बेटा कोई सिंबल एक उठा लीजिए वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी खुद खुद कोई भी सिंबल ले लो ना एक मान लो आपने सिंबल ले लिया आ, सी तो सबसे पहले सी लिखने से नाम पता चला कि नहीं डेफिनेटली सी से कोई और एलिमेंट हो ही नहीं सकता इसीलिए नाम तो एकदम स्पष्ट है पता चलेगा ही सेकेंड ऑप्शन हमने दिया एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर सिक्स के अलावे क्या कुछ और भी पॉसिबल है सी के साथ सिक्स लिखने का मतलब है कार्बन और कार्बन लिखने का मतलब है सिक्स कोई दूसरा तो हो नहीं सकता सिक्स के साथ इसीलिए यह भी आपका सही है एटॉमिक नंबर तीसरा है मास नंबर आप जरा सोचे आप मास नंबर क्या आपके दिमाग में आ गया बारह क्यों तेरह नहीं हो सकता है क्यों चौदह नहीं हो सकता है क्यों इसके आगे नहीं होते हैं क्या हं? तो चुकी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक होते हैं इसीलिए आप सिंबल से एटॉमिक मास या मास नंबर का अंदाजा एग्जैक्टली नहीं लगा सकते क्या बोला है हमने हमने बोला चूंकि एलिमेंट्स का आइसोटोप्स होता है इसीलिए एलिमेंट का आप एटॉमिक मास नंबर नाम के साथ नहीं बोल सकते ऑक्सीजन बोलेंगे तो सिक्सटीन भी हो सकता है सेवनटीन भी हो सकता है एटीन भी हो सकता है नहीं इसीलिए आप यहां पर आ, क्या बोलोगे एटॉमिक मास मास नंबर इज नॉट सर्टेन तो ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा अब दूसरी सी नंबर हट गया अब अगली चीज आ गई डी में एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है एटॉमिसिटी होता है अच्छे से देख लो नंबर ऑफ एटम्स इन इच मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंटल स्टेट एलिमेंटल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट ठीक से देखोगे मैंने कैसे बोला मैंने बोला कि एटोमिसिटी क्या है नंबर ऑफ एटम्स इन इच मॉलिक्यूल हर एक मॉलिक्यूल अच्छे से देखोगे मैंने क्या बोला हर एक मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या किसी एलिमेंट element के एलिमेंटल स्टेट में जैसे जैसे ध्यान से हाइड्रोजन का एलिमेंटल स्टेट क्या है एलिमेंटल स्टेट क्या है H2 इसीलिए एटॉमिसिटी हो गई दो क्लियर है अच्छे से आ जाओ जैसे ऑक्सीजन का एलिमेंटल स्टेट क्या है तो दो है ओ टू भी है वो थ्री भी है इसीलिए एटोमिसिटी दो और तीन दोनों हो गई तो आप ही बताइए दोस्त क्या एटोमिसिटी कंफर्म होता है सिंबल से नहीं क्योंकि एलिमेंट के कई एलोक्ट्रॉप होते हैं और उसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला अलग होता है जैसे सल्फर सल्फर तो सल्फर का एलिमेंटल स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एस सिक्स से लेकर के एस ट्वेंटी तक होता है तो एटोमिसिटी जो है क्या वो फिक्स रहा रहा बेटा फिक्स नहीं छह से लेकर वो बीस तक गया इसीलिए एटोमिसिटी पता नहीं चलेगा एटोमिसिटी आपको समझ में आ गया जैसे व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस तो चार क्योंकि फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है के के फॉर्म में अब एक पॉइंट हालांकि एलिमेंटल स्टेट लिए डिफाइन होता है लेकिन रफली लोग कंबाइंड uh, स्टेट मतलब मॉलिक्यूल्स दूसरे कंपाउंड्स में भी लगा सकते हैं जैसे मान लो बोल देते हैं लोग फिजिकल में कि एक्टूसोर का क्या होगा एटोमिसिटी एस टू एसो फोर एलिमेंटल स्टेट नहीं है प्योर स्टेट नहीं है प्योर एलिमेंट नहीं है उसमें ढेर सारे एलिमेंट्स की वो कंपाउंड है फिर भी अगर ऐसा सवाल आ गया तो समझ लो उसने क्या किया सबको जोड़ लिया एच टू एसओ फोर टू वन फोर समझ गए सेवन लेकिन सिंपली जो अटोम का डेफिनेशन वो एलिमेंटल स्टेट में हम लोग करते हैं लेकिन चलता है कोई दिक्कत नहीं है दूसरे में भी ले सकते हो एक्सएलओ फोर में कितना चार पांच छ इस तरह से तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या हुआ बेटा सिंबल किसी एलिमेंट का किस किस चीज को डिस्क्राइब करता है नाम को एटॉमिक नंबर को और बाकी किसी चीज को नहीं सिर्फ ए और बी उम्मीद है ये आपको पहला पेज समझ में आया होगा चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से तो अब नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकेंड एप्लीकेशन लेते हैं हम लोग धीरे धीरे अच्छे लेवल पे भी ले जाएंगे चीजों को डिफिकल्टी लेवल भी रेज करेंगे धीरे धीरे चलिए आइए मैं पूछ रहा हूं ऐसे एन एटम हैविंग सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स एटीन एटीन इलेक्ट्रॉन्स सिक्सटीन प्रोटॉन्स एंड ध्यान से देखेंगे सिक्सटीन न्यूट्रॉन्स गिव द सिंबल ऑफ गिवन एन कॉम्पोजिशन दिए हुए संरचना या कॉम्पोजिशन की का आपको सिंबल उसके लिए तैयार करना है सिंबल तैयार करना अच्छे से देखो मैंने बोला कि एक एटम है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन से पता नहीं चलता प्रोटॉन से प्रोटॉन्स हमने 16 बोला तो बेटा एलिमेंट पता चल गया कि सल्फर है सल्फर है एटॉमिक नंबर 16 के साथ और न्यूट्रॉन दिया हमने 16 तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब दो चीजें मालूम हो तो यहां से आप मास नंबर तैयार करते हैं मास नंबर ए लिखा अगर हमने तो पी प्लस एन पी हो गया आपका 16, 16, 32, तो का हम उस का हम सिंबल पूछ रहे हैं तो एलिमेंट लिखोगे एस उसके बाद नीचे एटॉमिक नंबर लिखोगे सिक्सटीन और ऊपर मास नंबर लिखोगे थर्टी टू सवाल है दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ध्यान से देखें, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है आखिर क्यों है इसका मतलब है सल्फर पर टू माइनस है समझो अच्छे से क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर होना चाहिए था बट दो आपके पास ज्यादा है तो सवाल है कि अगर दो ज्यादा है तो क्या होगा तो यहां पर टू माइनस लिखा फाइनली आंसर आपका ये अगर आप ये टू माइनस मिस कर देते तो ये गलत हो जाता मतलब अगर आप ऐसा सिर्फ लिखते एस सिक्सटीन और थर्टी टू तो गलत हो जाता समझ में आई चीजें कि यहां पर टू माइनस इलेक्ट्रॉन जो आपका दो एक्स्ट्रा है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा चलिए अच्छे से आप समझे होंगे थर्ड एप्लीकेशन लेता हूं हालांकि ये थर्ड ही है क्योंकि फर्स्ट में पिछले लेक्चर में मैंने एटॉमिक नंबर का दिया था याद होना चाहिए आपको और ये फोर्थ हो जाएगा उस नजरिए से पहला एप्लीकेशन मैंने एटॉमिक नंबर पर दिया था आपको याद होगा चलो फोर्थ एप्लीकेशन देता हूं ध्यान से a divalent monoatomic ion having 48 neutrons and is isoelectronic with with inert gas of फोर्थ पीरियड एलिमेंट गिव द सिंबल ऑफ गिवेन कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंटेशन देना है अच्छे से देख ले चीजों को मैंने क्या दिया है अच्छे से देख ले मैंने दिया है कि एक डायवेलेंट मोनो एटोमिक आयन है ठीक है डायवेलेंट मोनो एटोमिक आयन है जिसके पास 48 न्यूट्रॉन्स है एंड इज एसो इलेक्ट्रॉनिक्स विथ नॉट गैस फोर्थ पीरियड एलिमेंट गिव द सिंबल ऑफ गिव इन कॉम्पोजिशन सोचिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूं और इसको आप देखें कि किस तरीके से आप निकालेंगे बनाएंगे चलिए मैं सॉल्व करता हूं और देखता हूं कि आपने जो बनाया वो आप मैच करें कि वो मिल रहा है या नहीं देख बेटा अच्छे से एक डायवेलेंट मोनो एटोमिक आयन है ध्यान से मोनो एटोमिक मतलब एक एटम वाला आयन है और डायवेलेंट तो डायवेलेंट का मतलब हुआ अच्छे से देखना डायवेलेंट का मतलब हुआ दो वैलेंसी दो वैलेंसी और एक एटम पर इस तरह से हो सकता है क्लियर है पहला स्टेप मैच करो क्योंकि मोनो एटोमिक है इसलिए एक ही एटम होगा

एटॉमिक नंबर अच्छे से हो देखो तो सोचो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है दो लूज किया तब 36 इसका मतलब ओरिजिनल अड़तीस था ओरिजिनल अड़तीस था मतलब इसके पास प्रोटॉन 38 था और इलेक्ट्रॉन भी 38 था ओरिजिनल जब लूज नहीं किया था तो एलिमेंट ये स्ट्रॉनसियम हो गया जैसे इसने दो गेन किया तब 36 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ओरिजिनल इसके पास दोस्त 34 ही इलेक्ट्रॉन्स थे मतलब प्रोटॉन भी ओरिजिनल 34 ही थे मतलब ये एलिमेंट सेलेनियम था और ये एलिमेंट स्ट्रॉनसियम है क्लियर भी होंगी चीजें ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट है कि अब न्यूट्रॉन हमने दे दिया हाँ तो मास नंबर निकाल लो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो थर्टी एट प्लस फोर्टी एट इक्वल्स टू एटी सिक्स और यहां भी निकाल लो मास नंबर तो प्रोटॉन कितना है 34 प्लस न्यूट्रॉन कितना है 48 एट इक्वल टू कितना हो गया 82 हो गया तो अब इसका सिंबल कैसे लिखोगे स्ट्रॉनशियम स्ट्रॉनशियम और 2 प्लस लगाओगे और एटॉमिक नंबर 38 लिखोगे और मास नंबर 86 लिखो लिखोगे और अगर ये वाला निकला तो क्या निकलोगे सेलेनियम ऊपर 2 माइनस लिखोगे चूंकि दो इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है और एटॉमिक नंबर थर्टी फोर और मास नंबर एटी टू देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था तो ये और ये दोनों में से कोई भी हो सकता है नहीं ये हमारा आंसर होगा तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा हमने दो तीन बार इसको इसमें चीजों को, चीज़ को रिपीट किया है कि डायवेलेंट मतलब दो वैलेंसी दो वैलेंसी मतलब ऐसा नहीं है कि दो प्लस दो माइनस भी हो सकता है और मोनो एटोमिक मतलब एक ही एटम है और वो आयन है तो दो प्लस दो माइनस उसके पास 48 न्यूट्रॉन्स है और एसो इलेक्ट्रॉनिक है चौथे पीरियड के इनर्ट गैस क्रिप्टॉन के साथ मतलब दोनों के पास 36 सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो थर्टी सिक्स इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा ये जरा सोचो जब इसके पास 38 होगा तभी तो इसने दो लूज किया तो 36 है जब इसके पास थर्टी फोर होगा तभी तो दो गेन किया तो थर्टी सिक्स है इसका मतलब है यहां पर एटॉमिक नंबर थर्टी एट है और यहां पर एटॉमिक नंबर थर्टी फोर सेलेनियम है उम्मीद है चीजें क्लियर भी होंगी स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से आइए एप्लीकेशन नंबर सिक्स ध्यान से देखिए इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ देन फाइंड द ऐसे ही आपको खेलना सिखा रहे हैं केमिस्ट्री से देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन देखिए अच्छे से क्या दिया हमने हमने दिया है यदि प्रोटॉन के मास को आधा कर दिया जाए इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास ऑफ सी ट्वेल्व If mass of proton is half, then find the percentage change in atomic mass of C12. यदि प्रोटॉन के मास को आधा कर दिया आप पेन कॉपी लेके हमेशा बैठा करें जब भी वीडियो देखें या लेक्चर अटेंड करें हमेशा बार बार बोलता हूं पेन कॉपी लेके बैठे और साथ में आप रिहर्सल करें प्रैक्टिस करें तभी थोड़ा सा आपको आ, सही फील होगा साथ में मेरे साथ बनाने की कोशिश करें और तेजी से कोशिश करें बनाने की ऐसा नहीं कि देख रहे हैं देख रहे हैं प्रॉब्लम ज्यादातर डिजिटल में यही है लोग ऑनलाइन क्लास में यही ज्यादातर करते हैं क्या तो बस देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं नहीं पेन कॉपी लेके बैठना और कोई क्वेश्चन अगर मिला तो उसको पॉज करें जो करें लेकिन उसको बनाए साथ में ठीक है तब जाकर के वो आपके अच्छे से सही तरीके से क्लियर होगी चलो आज मैं डिस्कस करता हूं यदि प्रोटॉन के मास को आधा किया गया तो कितना प्रतिशत चेंज आएगा एट कार्बन ट्वेल्व के एटॉमिक मास में सोल्यूशन कार्बन आप क्या इसमें प्रोटॉन छ है और न्यूट्रॉन छे है और आपको पता है कि एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग इसमें अब हमने बोला प्रोटॉन के मास को आधा करते हैं जरा ध्यान दे एमपी हाफ एमपी सिक्स प्रोटॉन का मास मान लो आपने सिक्स एमपी लिखा सिक्स न्यूट्रॉन का मास आपने लिखा ठीक है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता हमने पढ़ाया पीछे तो ध्यान से सुने अब आप प्रोटॉन के मास को हाफ करते हैं तो नया जो आपके पास ये कार्बन है इसके पास प्रोटॉन का मास आधा हो गया तो थ्री एम पी हो गया और न्यूट्रॉन को हमने कुछ नहीं बोला तो वो वैसे रहेगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता आपको हमने पढ़ाया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास करीब करीब बराबर होता है तो एमपी एमपी एक ही चीज लिख सकते हो ट्वेल्व एमपी अब ये कितना हो गया नाइन एमपी क्योंकि एमपीएमए सेम होता है तो आप सोचे बढ़ा कि घटा घटा तो परसेंटेज डिक्रीमेंट इक्वल्स टू कितने से घटा बेटा तो जितने से घटा बाई ओरिजिनल इंटू हंड्रेड इक्वल्स टू डिक्रीमेंट तीन यूनिट से है ओरिजिनल ट्वेल्व था इंटू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट से डिक्रीज कर गया उम्मीद है समझ में आया होगा ठीक है इफ मास ऑफ मासन इज हाफ देन फाइन द परसेंटेज चेंज इन एटोमिक मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व एक और एप्लीकेशन लेता हूं इस तरह का थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इफ मास ऑफ प्रोटोन इज डबल एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन सिक्सटीन देखें इस क्वेश्चन को हमने दिया इस बार इफ मास ऑफ प्रोटोन इज डबल एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ यदि प्रोटॉन के मास को दुगुना करो और न्यूट्रॉन के मास को आधा करो तो कितने प्रतिशत का चेंज आएगा ऑक्सीजन 16 के एटॉमिक मास में जल्दी से सोचें, पेन लगाएं, कॉपी पे सॉल्व करें तुरंत सोचें। यदि प्रोटॉन के मास को दुगुना और न्यूट्रॉन के मास को आधा किया गया है तो कितने प्रतिशत का चेंज आएगा ऑक्सीजन 16 के एटॉमिक मास में अच्छे से सोचें इस चीज को उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे कैलकुलेट तेजी से काफी तेजी से कैलकुलेट कर रहे होंगे इफ डबल एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ आइए मैं आप सॉल्व करता हूं उम्मीद है आपने कुछ किया हो यदि प्रोटॉन के मास को दुगुना किया जाए ऑक्सीजन सिक्सटीन चल यहां मैं लिखता हूं ठीक है अब बेटा मैंने बोला इसमें देख प्रोटॉन कितने हैं आठ और न्यूट्रॉन कितने हैं आठ अच्छे से देखो अब मैंने बोला कि प्रोटॉन के मास को दुगुना करो तो एमपी को टू एमपी करो और न्यूट्रॉन के मास को आधा एम को हाफ एम किया हमने तो नया जो यहां पर एलिमेंट है इसमें अब प्रोटॉन का मास दुगुना हो गया तो सिक्सटीन एमपी और न्यूट्रॉन का मास आधा हो गया फोर एम पहले से था ये सिक्सटीन एमपी अब चेंज करके ये हो गया ट्वेंटी एमपी तो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट ट्वेंटी फाइव वन फोर्थ से पर, परसेंटेज इंक्रीमेंट इक्वल्स टू तो ट्वेंटी फाइव परसेंट देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था जबकि बहुत सारे लोग इसका आंसर सोच लिए हो तो हुए होंगे नो चेंज क्यों क्योंकि उनका लग, उनको लगा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या समान है तो एक का और दोनों का मास भी बराबर होता है तो एक का मास दुगुना और एक का मास आधा हो गया तो चेंज का कोई चेंज नहीं गलत बात है एक का हाफ हो गया और एक का वहां से डबल हो गया समझ रहे हो कितना का डिफरेंस है एक वहां से हाफ हुआ एक वहां से डबल हुआ इसीलिए ट्वेंटी फाइव परसेंट का गैप आ गया ठीक है तो यह अच्छा क्वेश्चन था कि प्रोटोन का मास को हमने डबल तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसे जो है ना अंदाजी फिकेशन इज ऑल्सो मेथड ऑफ कैलकुलेशन अंदाज लगाया और निकल पड़े सॉल्व कर दिया ऐसा बटा नहीं होता थोड़ा सा वर्क आउट करना पड़ेगा चलो इसमें एक क्वेश्चन इसमें ये एप्लीकेशन में ये डालता हूं मैं ध्यान से वट विल बी द सिंबल ऑफ फाइनल एलिमेंट इन एव अब क्वेश्चन एक्टेड एक्टाइन एक्स जेड ए वेयर ए इज मास नंबर अच्छा से देखिए चार ऑप्शन दे रहा हूं क्वेश्चन को देख ले मैं पूछ रहा हूं कि सिंबल क्या होगा फाइनल एलिमेंट का फाइनल एलिमेंट का सिंबल क्या होगा ठीक है फाइनल एलिमेंट का सिंबल क्या होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में जब आपने चेंज किया एक्स जेड ए जेड एटोमिक नंबर ए मास नंबर एटोमिक मास नहीं मास नंबर दिया हमने पहला दिया देख लो क्या सिंबल वही रह गया एट सिक्सटीन दूसरा दिया एट ट्वेंटी तीसरा दिया ध्यान से देखोगे एस सिक्सटीन ट्वेंटी चौथा दिया ओ सिक्सटीन ट्वेंटी बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार है सोचें, ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में जो फाइनल एलिमेंट आपका आएगा पेरेंट नहीं डॉटर एलिमेंट जो आ रहा है उसका सिंबल क्या होगा पहला ऑप्शन ओ एट सिक्सटीन सेकेंड ऑप्शन इज ओ एट ट्वेंटी थर्ड इज एस सिक्सटीन ट्वेंटी एंड फोर्थ इज ओ सिक्सटीन ट्वेंटी सोचे 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 होगा जवाब या ए होगा जवाब या बी होगा जवाब या सी होगा चलो मैं बताता हूं आराम से सोचो हमने बोला है कि फाइनल एलिमेंट का ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में सिंबल क्या होगा सिंबल में दो चीजें जरूरत है एटॉमिक नंबर और मास नंबर की मास नंबर के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम चाहिए और एटॉमिक नंबर के लिए प्रोटॉन सवाल है हमने क्या किया है क्वेश्चन में कि प्रोटॉन के मास को डबल कर दिया और न्यूट्रॉन के मास को आधा तो 16 एमपी और 4 एम तो 16 के नजरिए से सल्फर होना चाहिए चूंकि 16 प्रोटॉन तो सल्फर और P प्लस एन का सम 20 तो सल्फर 20 तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा क्या होगा सी क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा सोचो क्यों बेटा हमने बोला है मास को डबल करने प्रोटॉन का और मास को आधा करने न्यूट्रॉन का हमने संख्या को डबल और हाफ करने नहीं बोला है आपको घर में मम्मी या पापा कभी कोई सामान लाने देते मान लो कोई ऐसा चीज मान लो आम आम खरीदने आप बाजार जाते हैं तो आप दुकानदार से बोलते हैं एक किलो मैंगोज उठा के डाले पैक कर दें वो मान लो कि उसने चार आम दिया और आप लेके घर आ गए अब घर में मम्मी बोलती है तुमको सौ रुपया मिला या पचास रुपया मिला और एक किलो आम लाए लेकिन तुमको इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि घर में छह लोग हैं तो आम छह पीस लाओगे जो सभी लोग एक खा लेंगे फिर तुम गए ठेले वाले के पास भैया थोड़ा छोटा छोटा वाला दे दीजिए वो छे पीस कर दिया और वही आपका पचास रुपया का पचास रुपया रह गया चले गए घर आपने चार का छे कर लिया तो आप बताइए आम का वजन क्या अब के जी हो गया नहीं वजन वही था एडजस्ट किया सिचुएशन टू मतलब आपने संख्या बदली वजन नहीं सिचुएशन आपने आपको मम्मी ने बोला कि तुम चार क्यों लेके आए ऐसा थोड़ी ना था कि हम तुमको बोले थे कि एक ही किलो लेना जाओ हम ले आना यह बोला गया और तुमको समझ में आना चाहिए कि छह लोग हैं घर में खाने वाले तो छह आम होना चाहिए फिर तुम गए दुकानदार को ले भैया दो आम और दे दीजिए दो आम और दे दीजिए अब वजन वन पॉइंट फाइव हो गया संख्या बढ़ी वजन बढ़ गया मतलब समझिए आपने एडजस्ट करना सीखा है जरूरी नहीं कि संख्या बढ़े तो वजन बढ़ जाए वजन बढ़ जाए तो संख्या हमने बोला प्रोटॉन को डबल करने नहीं प्रोटॉन का मास डबल करने मतलब संख्या से छेड़छाड़ नहीं करने चार ही आम चाहिए बड़े बड़े चाहिए इस बार मास डबल करना है न्यूट्रॉन की संख्या को आधा करने हमने नहीं बोला बेटा संख्या वही रहेगा उसका मास हाफ हो जाएगा ठीक है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर नंबर ऑफ ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन तो तो हमने तो चेंज नहीं करवाया है इसके पास अभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है जरा सोचे प्रोटॉन अभी भी उतना ही है कितना आठ और न्यूट्रॉन अभी भी उतना ही है कितना आठ वो हमने चेंज नहीं किया उसके मास को चेंज किया है अब इस आठ प्रोटॉन का मास 16 एम है और आठ न्यूट्रॉन का मास 4 एम है इसीलिए अगर आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो सिंबल तो प्रोटॉन के लहजे से ओ ही रहेगा और एटॉमिक नंबर आठ ही रहेगा और मास नंबर 16 ही रहेगा इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर ए है समझ में आया या नहीं बताएं एक बार प्लीज अगला एप्लीकेशन ला रहा हूं अच्छे से देखिए, इतमान से देखिए ठीक से विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम नंबर पहला एक के जी प्रोटोन एक के जी इलेक्ट्रॉन हंड्रेड ग्राम हाइड्रोजन एटम्स और चौथा एक हजार मिलीग्राम न्यूट्रॉन्स आराम से सोचे च ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम नंबर्स इनमें से किसमें सबसे ज्यादा संख्या होगी जैसे आपसे कोई चीज का पूछा जाए कि इसमें ज्यादा संख्या होगी या इसमें ज्यादा संख्या तो आप उसको मास व्यक्तिगत मास और टोटल मास दोनों से रिलेट करते हैं इंडिविजुअल मास और टोटल मास तब जाके सही सही नंबर्स पता चलता है तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है जरा आराम से सोचे आप स्टोचोमेट्रिक कैलकुलेशन सीख रहे हैं कुछ एलिमेंट्री कैलकुलेशन सीख रहे हैं टॉमिक स्ट्रक्चर में विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम नंबर इनमें से किसमें संख्या सबसे ज्यादा है वन के जी प्रोटोन वन के जी इलेक्ट्रॉन हंड्रेड ग्राम हाइड्रोजन एटम्स या वन थाउजेंड मिलीग्राम न्यूट्रॉन अच्छे से सोचे आप कैलकुलेट कर रहे होंगे देखिए आइए अब मैं सॉल्व करता हूं देख बेटा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए किसी भी चीज में कि कितने पार्टिकल्स होंगे अच्छे से सोचो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए किसी भी चीज में तो आप कैसे निकालते हैं टोटल मास में व्यक्तिगत मास इंडिविजुअल मास से डिवाइड करते हो बहुत सिंपल है जैसे सोचो 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 अगर मान लो कि बोला गया कि दो किलोग्राम सेब में कितने सेब आ रहे हैं आपको टू के जी ऑफ एप्पल्स दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ एप्पल्स उसमें कितने हैं और हर एक एप्पल का वजन फिफ्टी ग्राम है तो आप कैसे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकालेंगे आपको यू हैव गिवन टू केजी ऑफ एप्पल्स मतलब टू थाउजेंड ग्राम ऑफ एप्पल्स एंड ईच ऑफ देम वेइंग 50 ग्राम तो नंबर ऑफ एप्पल्स आर 2000 ग्राम ग्राम डिवाइडेड बाय 50 gram. समझ में आ गई होंगी चीजें तो किसी भी चीज का पार्टिकल संख्या कैसे निकालोगे टोटल मास बाय इंडिविजुअल मास इंडिविजुअल व्यक्तिगत मास अब ये पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा कब होगी चूंकि हमने पूछा मैक्सिमम हाइएस्ट जब ये टोटल मास ज्यादा होगा और इंडिविजुअल मास कम होगा टर ज्यादा डिनोमिनेटर कम अब आप सोचो कि हमने दिया है एक किलोग्राम प्रोटॉन सेकेंड दिया है एक किलोग्राम इलेक्ट्रॉन और थर्ड दिया है हंड्रेड ग्राम हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम में क्या सब है एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन होता है आराम से सोचो और अगला दिया है वन थाउजेंड मिलीग्राम तो 1000 मिलीग्राम क्या दिया हमने न्यूट्रॉन तो बेटा सोच किसमें न्यूमिरेटर टोटल मास ज्यादा है तो टोटल मास इसमें ज्यादा है और इसमें ज्यादा है नहीं क्योंकि 100 ग्राम और कम हुआ 1000 मिलीग्राम कम हुआ तो इन दोनों में सबसे ज्यादा अब नीचे इंडिविजुअल मास कम मतलब हल्का हल्का कौन है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन जाहिर सी बात है सबसे हल्का

वो आपका एप्टीट्यूड एप्टीच्यूड्यूशन करता है कि आपका डायरेक्शन प्रॉपर किस तरीके से आप अटेम कैसा लेते हैं हार्ड वर्किंग है कि स्मार्ट वर्कर वर्कर है आप ठीक है हार्ड वर्क करते हैं कि स्मार्टली वर्क करते हैं स्मार्टली वर्क करने वाले भी हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी थोड़े कम मेहनत में वो मतलब थोड़ा सा मेहनत कम कर सकते हैं तो टोटल मास सबसे ज्यादा इन दोनों के पास अब इंडिविजुअल मास में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का इसलिए आपका ये नेक्स्ट एप्लीकेशन दे रहा हूं मैं जरा अच्छे से देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन तीन चीजें मैं दे रहा हूं आप अरेंज कर ले एक दे रहा हूं ध्यान से एनेग्राम एक दे रहा हूं एने एटम्स और एक दे रहा हूं एनेोल्स अच्छे से सो सोचे किसमें कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं इसको बी इसको सी ठीक है ऑर्डर लगाना है किसमें कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो आराम से सोचो तेजी से तेजी से लेकिन तेजी से सोचो बट आराम से भी आराम का मतलब कॉन्सेप्ट को कभी कभी तेजी के करने के चक्कर में हम लोग इधर का उधर ना कर दे तो एने ग्राम कार्बन एटम लिया जाए एटम कार्बन एटम लिया एने एटम्स लिया जाए एन एटम्स ऑलरेडी लिया गया और मोल्स एटम्स होगा वहां एटम नहीं सोचिए ध्यान से देखें सोचो एने किसको बोलते हो दोस्त हमने कई बार करवा दिया है पीछे के लेक्चर में एन ए होता है आपका एवेगैड्रो नंबर ना एवेग्रो नंबर मतलब दैट इज वन मोल एक मोल को बोलते हैं और इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू पार ट्वेंटी थ्री ना इतनी संख्या को हम एक मोल बोलते हैं लिटरली ऑर्डर लगाइए सोचे चलिए आइए मैं कर रहा हूं देखिए सबसे पहला है एने ग्राम तो आप सोचे कार्बन ट्वेल्व अगर ले, ध्यान से, तो लेवेल्व ग्राम में ट्वेल्व ग्राम में एटॉमिक मास वाले ग्राम में एक मोल एटम्स होते हैं है जी इसी को आप बोलते हो एटम्स इसीलिए ग्राम में कितने एटम्स होंगे बेटा तो एन ध्यान से ट्वेल्व ग्राम में एन तो एक ग्राम में एनए बाई स्क्वायर हो जाएगा इतने एटम्स पहला वाला क्लियर हुआ होगा फिर से रिपीट कर दो बहुत बेसिक चीज है हमने बोला कि आपका एन ग्राम तो कार्बन के एटॉमिक मास ट्वेल्व तो आपने एटॉमिक मास को कैसे पढ़ा है कि ऑक्सीजन सोलह का क्या मतलब है कि 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन जाए तो उसमें एक मोल एटम्स निकलेंगे इसी तरह है ना जी एटॉमिक मास किसको बोल रहे हो कि उतने ग्राम में एक मोल एटम्स आएगा तो ट्वेल्व ग्राम में एक मोल एटम्स मतलब एटम्स आएगा तो एक ग्राम में एक ग्राम में वन बाय आएगा सॉरी एन ए बाय 12 आएगा क्योंकि 12 ग्राम में यानी एटम्स तो एक ग्राम में n/12 एटम्स तो na ग्राम में n स्क्वायर/12 तो पहले में एटम्स तो 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 की संख्या यानी n स्क्वायर सेकंड तो में ऑलरेडी na हमने दे रखा है एटम सी तो ये na है और ये n स्क्वायर/12 है और तीसरा है na मोल आल्सो सोचो एक मोल में कितने एटम्स na एटम्स तो हमने कितने तो मोल्स दिए हैं दोस्त na मोल्स तो na मोल्स में तो na स्क्वायर हो जाएगा ना रे अब जरा बेटा सोच तीनों में अच्छे से अच्छे से सोच पहले में एटम्स की संख्या एन ए स्क्वा दूसरे में एटम्स की संख्या ए और तीसरे में एटम्स की संख्या एन ए स्क्वायर एन ए का वैल्यू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री है जो बहुत बड़ा है तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन होगा एन ए स्क्वायर फिर कौन होगा एन ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व या एन ए स्क्वायर क्योंकि टेंट पार्ट ट्वेंटी थ्री बहुत बड़ा नंबर है तो इसमें सबसे ज्यादा होगा आंसर में क्या लिखोगे एन मोल सी उसके बाद एनए ग्राम ए और सबसे कम होगा एन ए B। बी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा सबसे ज्यादा हो गया C, एन एम्स चुकी वहां एन ए एटम्स हो गए फिर एन ए ग्राम चुकी वहां एन ए ऑलरेडी। तो अच्छा एप्लीकेशन हमने सात आठ नौ किया है इसको आप खुद से एक बार बनाए सॉल्व भी करें और हमने आपको यहां तक के लेक्चर में क्लियर बोला है एटॉमिक नंबर वन टू फिफ्टी अब मैं बढ़ा के कर रहा हूं सेवेंटी वन जिन लोगों ने याद नहीं किया है यह ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम में मैं डेफिनेटली उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं बट वो अपना मेरे से ज्यादा बिगाड़ ले रहे मैं जितना बिगाड़ सकता था ऑफलाइन में ऑनलाइन में आप उससे ज्यादा खुद का बिगाड़ लेते अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो तो देखिए आप अपने आप को क्या बनाना चाह रहे हैं हुँ? खुद सोचिए परखिए और आज के लेक्चर में इतना ही छोड़ता हूं यह होमवर्क दे करके कि इन सारे आठ नौ एप्लीकेशंस को आप खुद से दोबारा से एक बार बनाए पहला होमवर्क और दूसरा होमवर्क अगले लेक्चर के आने तक आप एटॉमिक नंबर वन टू सेवेंटी वन कंप्लीट कर जाएंगे एक तक का हमने आपको होमवर्क दिया तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में ढेर सारा प्यार हमारे तरफ से आप लोगों के लिए धन्यवाद चलिए शुरू करते हैं हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो कुछ एप्लीकेशन किए थे कुछ और एलिमेंट्री वहां से हम लोग चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं कुछ एलिमेंट्री आपको और मैं दे रहा हूं साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आप सॉल्व करेंगे पेन कॉपी लेके बैठे और फिर उसके बाद हम लोग कुछ नई चीजें करेंगे तो पहले कुछ एलिमेंट्री कैल्कुलेशन पर और बातें करते हैं आ जाइए मैं आपके सामने कुछ कैलकुलेशन पर बेस्ड एप्लीकेशन डाल रहा हूं मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू आसानी ले रहा हूं पहला एप्लीकेशन कोई मुश्किल नहीं दूंगा वन यहां दे रहा हूं लिस्ट और टू लिस्ट सेकेंड लिस्ट यहां पे वन में मैंने पी में डाला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू नाइन क्यू में डाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन और इक्वल्स टू सिक्स आर में डाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू थर्टी फोर और एस में डाला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू जीरो और इधर सेकंड कॉलम में मैं ले रहा हूं वन में एच वन वन टू में ले रहा हूं सी एल सेवनटीन थर्टी सेवन अच्छे से देख ले थ्री में सीओ ट्वेंटी सेवन सिक्सटी और फोर में ओ एट सेवेंटीन ठीक है अब आपको यह मैच करना है आपके पास सेलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर योर आंसर पहला कोड में मैं ले रहा हूं यहां पे चलो P Q R S फोर टू थ्री वन B में ले रहा हूं फोर थ्री टू वन C में ले रहा हूं वन थ्री टू फोर और बेटा D में ले रहा हूं थ्री टू वन फोर जल्दी से आप कोड को सॉल्व करें कि कौन सा सही होगा जल्दी से आप कोड को सॉल्व करें कि कौन सा सही होगा इनमें से मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप जल्दी से बताएंगे कि कौन सा कोड करेक्ट होगा उम्मीद है कुछ लोगों ने आंसर निकाला होगा कुछ लोग अभी भी बैठ के कैलकुलेट कर रहे होंगे चलिए मैं सॉल्व करता हूं और अगर आपने सॉल्व किया है तो आप मैच कर लेंगे क्योंकि ये लाइव ऑनलाइन डिजिटल क्लास है तो बहुत ज्यादा यहां इंतजार नहीं किया जा सकता है बी के तरफ अगर आपका ध्यान जा रहा है तो ठीक है मैं सॉल्व कर लू जरा आ जाए सोल्यूशन पर मैंने दिया है पहला में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एट और नाइन है तो जरा सोचे कि किसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एट नाइन है मास नंबर सेवनटीन हो सकता है मास नंबर सेवनटीन और प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर तो बेटा जाहिर सी बात है कि पी वाला जो है आपका फोर है पी का तो फोर जाएगा अब आ जाए क्यू में मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ट्वेंटी सेवन है तो एटॉमिक नंबर को भी 27 लेना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं तो प्रोटॉन 27 और मास नंबर 60 मतलब कोबाल्ट 27 60 तो q की 3 हो जाएगी r पर बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 34 तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों तो बराबर होते हैं जाहिर सी बात है दोनों सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रल एटम्स में तो 34 में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन 17 होगा तो ये सेकंड नंबर पर आपका ऑप्शन जाना चाहिए अब आ जाइए एस पर न्यूट्रॉन जीरो एच वन वन में तो आपका करेक्ट आंसर होगा फोर थ्री टू वन बी उम्मीद है आपको सॉल्व हुआ होगा चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन में आता हूं मेटल आयंस एम प्लस गेन अच्छे से देखेंगे टेन ध्यान से देखेंगे गेन हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस्ड एक्स किलोग्राम मेटल फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल बहुत अच्छा एप्लीकेशन है आप अच्छे से आराम से सॉल्व करें मैंने दिया है मेटल आयंस एम प्लस

क्या कुछ निकला आपका बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है मेटल आयंस एम प्लस गेन हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस्ड एक्स किलोग्राम मेटल फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ मेटल या एलिमेंट आपने खूब कोशिश की होगी चलो अब मैं सॉल्व करता हूं ठीक है आ जाओ अच्छे से देखो बढ़िया से सीखिए सबसे पहली बात दोस्त मैंने क्वेश्चन में पूछा क्या फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ मेटल तो बेटा आप एटॉमिक मास जो बोलते हो वो मास होता है ऑफ एटम्स एने मतलब एक मोल नहीं इन ग्राम ये क्लियर है कि ग्राम में ही मास लेना है तब एटॉमिक मास होगा तो आप एक मोल मतलब एनी एटम्स का मास ग्राम में निकाल दें तो एटॉमिक मास हो जाएगा वो ग्राम पर मोल अब क्वेश्चन में हमने जो हिंट दिया है उससे पहले दोस्त वो ये दिया है कि जो आपका एम प्लस आयंस है आयंस मतलब एक से ज्यादा ये मेटल आयंस है एक से ज्यादा है बहुत सारे हैं कितने हैं नहीं पता कितने हैं नहीं पता बस लिखा हुआ मेटल आयंस एम प्लस बहुत सारे मेटल आयन है एम प्लस इन्होंने गेन किया है इन लोगों ने हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स कोई ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है कि हर एक ने हंड्रेड गेन किया जितने भी आयंस हैं सबने मिलकर के हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स खपत किया सबने मिलकर हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और इससे मिलता है एक्स किलोग्राम मेटल तो मेटल जब लिख दिया इसका मतलब है कि न्यूट्रल मिलेगा एम एटम्स अच्छे से देख लो बस यहीं पे सारी गुत्थी सुलझ जाएगी जब आपको सोडियम मेटल बोला गया इसका मतलब सोडियम न्यूट्रल एटम तो हमने कहा कि M प्लस मेटल आयंस है जिन लोगों ने 100 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और X किलोग्राम मेटल मिले मतलब M एटम्स मिले मेटल एटम्स M एटम्स मिले न्यूट्रल नहीं क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो M का एटम्स मिला और संख्या में कितना मिला जरा सोचो एक एम प्लस एक ही गेन करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा इसका मतलब चूंकि आपने सौ गेन किया है बेटा तो इसका मतलब है कि इसकी संख्या कितनी हो गई हंड्रेड आयंस सोचो जरा क्यों हंड्रेड आयंस क्योंकि एक एम प्लस एक गेन करेगा तो एम बन जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा और मेटल एटम्स होगा तभी तो मेटल होगा वो न्यूट्रल तो आपका ये मेटल आयंस की संख्या हंड्रेड हंड्रेड आयंस ने हंड्रेड इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो न्यूट्रल मेटल मिल गया अब जरा सोचो आपका जो ये मेटल एटम्स है, ये एक्स किलोग्राम है वजन में तो हंड्रेड एटम्स है ये कितने एटम्स आ गए क्योंकि हंड्रेड आयंस तो हंड्रेड एटम्स तो हंड्रेड एटम्स का वजन एक्स किलोग्राम तो एटम का वजन निकल जाएगा समझ में आया हंड्रेड एटम्स वेइंग इनका वजन कितना है एक्स किलोग्राम एक्स किलोग्राम को ग्राम में लिख लो एक्स इंटू टेन टू द पावर थ्री ग्राम इसीलिए दोस्त आपसे मैंने बोला कि कितने एटम का वजन आपको निकालना है एन ए वन एटम का वजन तो डिवाइडेड बाय हंड्रेड सही है तो कितने एटम का वजन एन एटम्स का वजन एन एंटू एक्स इंटू टेन इतना ग्राम पर मोल और जो एन एटम का वजन है यही आपका एटॉमिक मास हुआ तो एटॉमिक मास कितना हो गया दोस्त कितना हो गया एन ए इंटू एक्स इंटू टेन ग्राम पर मोल कितना बढ़िया एप्लीकेशन शानदार एप्लीकेशन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो अच्छे से देख ले हमने एप्लीकेशन दिया है कि मेटल आयंस एम प्लस गेन टेन इलेक्ट्रॉन्स सॉरी हंड्रेड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस्ड एक्स किलोग्राम मेटल तो जो आपका मेटल आयन है उसकी संख्या नहीं दी गई है बट हमने क्लियर लिखा है कि मेटल आयंस है मतलब बहुत सारे मेटल आयंस हैं

तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है उम्मीद आप हाँ लोगों ने सीखा होगा तो पहले पेज का स्क्रीन शॉट ले फिर मैं आ रहा हूं कुछ दूसरा एप्लीकेशन लेकर के प्लीज तो अगला एप्लीकेशन दे रहा हूं मैं आइए अच्छे से कीजिए आप How many moles of carbon atoms are required which can be placed side by side in a straight line? across the length of 20 centimeter long diameter of carbon equals to 0 0.15 into 10 to the power minus 7 centimeter options there are 1.33 into 10 to the power 9 टू पॉइंट टू वन इंटू टेन टू पावर माइनस फिफ्टीन एट इंटू टेन टू द पावर थर्टी टू और ट्वेंटी बाई एन ए जल्दी से सॉल्व करें इस एप्लीकेशन को भी जल्दी से सॉल्व करें इस एप्लीकेशन को बढ़िया एप्लीकेशन है कुछ लोगों ने जवाब दिया है बी मैं सॉल्व करता हूं लेकिन दो ही लोगों ने बस जवाब दिया ये देखता हूं देखिए हमने दिया है हाउ मेनी मोल्स अच्छे से देख ले लेकिन पॉइंट ये कि बना क्यों नहीं पाते हो मोस्ट ऑफ ऑल लोग इतने कम लोग बनाते हो सवाल है कि इसमें क्या है कोई ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा प्रॉब्लम वाला कोई मुश्किल सवाल है इंतजार भी मैं करता हूं टाइम देता हूं काफी इन चीजों पर कि आप सॉल्व कर सके कितने मोल्स कार्बन एटम्स के रिक्वायर्ड हैं विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड जिनको आप बगल बगल रख सकते हैं इन स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग जरा देखो एक बीस सेंटीमीटर लंबी रस्सी है ठीक है अब इसमें कार्बन एटम्स को बगल बगल में रखना है ऐसे करके तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स ऐसे करके कितने मोल्स एटम्स की संख्या निकाल लो मोल्स में कन्वर्ट कर जाओ कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड जरूरत है जिसको प्लेस कर सकते हैं आप साइड बाय साइड स्ट्रेट लाइन में क्रॉस द लेट ऑप सेंटीमीटर और हां डायमीटर हर एक कार्बन का डायमीटर समझते हो हर एक कार्बन का डायमीटर है 0.15 पॉइंट वन फाइव इंटू टेन टू माइनस सेवन सेंटीमीटर तो जरा सोचो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पहले कितना होगा कितने कार्बन एटम्स रखे जाएंगे तो 20 सेंटीमीटर की लंबी रस्सी और हर एक की चौड़ाई जो है डायमीटर 1 0.15 पॉइंट वन टेन पर माइनस सेवन सेंटीमीटर इससे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकलेगा जरा ध्यान दो अच्छे से देख लो अब इसके बाद पॉइंट है कि ये एटम्स की संख्या हुई इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ एटम्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे नंबर से डिवाइड करके तो जब इसको आप मोल में कन्वर्ट करना चाहे तो आपका ये आ जाएगा 20 बाई जीरो पॉइंट वन फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवनटीन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री इतने मोल्स बहुत सिंपल अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आराम से आ जाओ सही है डेसिमल का हंड्रेड बना और फाइव से हमने कैंसिल किया थ्री और फोर आ गया ऊपर क्लियर है अब आ जाओ मैं इसको टू लिख देता हूं और इसको कैंसिल करके करीब करीब थ्री लिख देता हूं क्लियर है टू और इसको सिक्स तो ये हो गया टू बाय नाइन टू बाय नाइन नहीं हो गया और ऊपर में यहां पे देखो टेन टू द पावर सिक्स बच गया बेटा और टू कैंसिल हो गया तो नीचे आ गया टेन टू द पावर हमने बोला ट्वेंटी थ्री और ये माइनस सेवनटीन है कि सेवन है सेवन सेवन सॉरी 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 सेवन था तो ये बच्चे, ये हो गया कितना 16 और टू कैंसिल हो गया तो टेन टू 14 अब चलो सॉल्व करो टू टू में और इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन आ गया तो टू पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन इतने मोल्स देखो कितनी आसानी से सॉल्व हुए और आप लोग कर नहीं पाते बताइए इतनी आसानी से सॉल्व हो गए और आप लोग नहीं कर पा रहे कुछ तो था ही नहीं कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स की जरूरत है जो साइड बाय साइड रख सकते हैं बीस सेंटीमीटर के लंबे लेंथ में तो बेटा बीस सेंटीमीटर का लंबा लेंथ और हर एक की जब चौड़ाई दे दी गई तो उससे डिवाइड कर दो ना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकल गया और एक बार नंबर निकल गया तो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो उसके मोल्स निकल जाएंगे तो चलो हमने ये एप्लीकेशन क्लियर किया अब आ जाओ नेक्स्ट एप्लीकेशन दे रहा हूं मैं फिर इसको सॉल्व करें अच्छा एप्लीकेशन फिर से दे रहा हूं वन ग्राम ऑफ एच एच वन वन ओ एट सिक्सटीन सी सिक्स फोर्टीन यू नाइनटी टू टू थर्टी फोर हैव पहला ऑप्शन टाइम लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में बट मैं आपके साथ हूं मैं वेट करूंगा आप रिकॉर्डेड मोड में भी देख रहे हैं तब भी मैं कह रहा हूं कि आप एकदम कॉपी पेन ले करके और मेरे साथ पैरेलल में सॉल्व कर रहे हैं सेम निक्लियोस नॉन ऑफ दिच अच्छे से सॉल्व करें प्लीज टेक योर टाइम मिक्स जवाब आ रहे हैं जो हैं, वो मिक्स आ रहे हैं काफी चलिए मैं सॉल्व करता हूं बेटा अच्छे से देखें ठीक है चलिए आप लोगों ने ट्राई किया कुछ लोगों ने ट्राई किया लेकिन प्रॉब्लम है कुछ लोगों ने ट्राई किया ट्राई सभी को करने चाहिए हर किसी को ट्राई करना चाहिए था अटेम्प्ट लेना चाहिए अजय हमने बोला कि अच्छे से देखो वन ग्राम ऑफ एच आपके पास बेटा चार मटेरियल है एच वन वन ओ एट सिक्सटीन और सी सिक्स यू नाइनटी टू टू थर्टी एट इनमें से किसके पास सबके पास क्या है सेम एटम्स देख इसके एक ग्राम में एक एटम होगा इसके सिक्सटीन ग्राम में एक एटम होगा इसके फोर्टीन ग्राम में एन एटम होगा एन तो जाहिर सी बात है कि देखने से ही लग रहा है कि सेम एटम्स कैसे हो सकता है जब एटॉमिक मास अलग अलग है तो एक ग्राम में जब इसके एक ग्राम में एक एटम होगा इसके 16 ग्राम में एटम होगा तो एक ग्राम में सेम नंबर ऑफ एटम्स कैसे होगा सोचने से ऐसा लगता है ठीक है तो जब एटम सेम नहीं होगा तो प्रोटोन सेम नहीं होगा फिर न्यूक्लियॉन सेम नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियॉन्स में भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ये तो क्लियर है ना इसके एक ग्राम में एक एटम होगा और इसके 16 ग्राम एक ग्राम में एन एटम्स इसके 16 ग्राम में एनए एटम्स तो एक ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स डिफर कर जाएगा तो सब डिफर तो बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दबाजी में इसका आंसर डी भी निकाला होगा डी भी दिया चलो आ जाओ मैं सॉल्व करता हूं देखता हूं सब में सबसे पहले बेटा क्या निकालते हैं, निकालते हैं। सब में नंबर ऑफ एटम्स तो चलो आ जाओ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक ग्राम में मोल एटम्स एन एटम्स ध्यान से देखो सिक्सटीन ग्राम में एन एटम्स तो एक ग्राम में एन ए बायटीन एटम्स क्लियर है रे सिक्सटीन ग्राम में एन एटम्स तो एक ग्राम में एन ए बायटीन एटम्स सही है अब आ जाओ एन ए बाय फोर्टीन एटम्स आ जाओ एन ए बाय टू थर्टी एट एटम्स तो एटम्स सबसे ज्यादा किसके पास है इसके पास फिर इसके पास फिर इसके पास फिर इसके पास अब एटम्स के बाद प्रोटॉन्स निकाल लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर है तो एक एटम में एक प्रोटॉन। तो एन एटम्स में ए प्रोटॉन्स। बेटा आराम से देख एक एटम में एट प्रोटॉन्स तो एन ए एटम्स में एनए बाय सिक्सटीन इंटू एट एक एटम में सिक्स प्रोटॉन्स तो एन ए बायोटीन में एन ए बायीन इंटू सिक्स प्रोटॉन्स एक एटम में टू थर्टी सॉरी 92 टू तो एन ए बाई टू थर्टी एट इंटू टू तो क्या ही सेम है बिल्कुल सेम नहीं है अब आ जाओ न्यूक्लियॉन्स पे न्यूक्लियॉन्स बोलते हो स किसको बोलते हो जरा सोच लो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियो किसको बोलते हो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को आराम से सोचो आराम से एक एटम में एक न्यूक्लियॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो एटम में कितने न्यूक्स एनए निक्लियॉन्स आराम से देखो इसमें एक एटम में सिक्सटीन एक एटम में सिक्सटीन न्यूक्लियंस तो इतने एटम्स में मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन कुछ समझ में आया एक एटम में सिक्सटीन न्यूक्लियॉन्स तो इतने एटम्स में मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन कैंसिल एक एटम में फोर्टीन न्यूक्लियॉन्स तो इतने एटम्स में मल्टीप्लाइड बाय फोर्टीन कुछ क्लियर आया क्लियर आया एक एटम में टू थर्टी एट तो एन ए बाय टू थर्टी एट एटम्स में मल्टीप्लाइड बाय टू थर्टी एट तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी सॉरी 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 सी बहुत बढ़िया एप्लीकेशन शानदार एप्लीकेशन था तो उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा इस एप्लीकेशन को क्योंकि हमने बहुत टाइम भी दिया दो मिनट के आसपास हमने आपको वक्त भी दिया आपने सवाल भी किया पैरेलल में कुछ लोगों ने सही भी निकाला है बट मोस्ट ऑफ ऑल लोगों ने गलत निकाला और कुछ लोगों ने ज्यादातर लोगों ने तो अप्रोच ही नहीं किया तो अगले पेज में आप इस पेज का स्क्रीन ले मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ और फिर आपके लिए नए अप्लीकेशन लेके आता हूँ प्लीज जल्दी से तो एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं अलग अलग तरह के कभी एटॉमिक मास पर बात करते हैं कभी नंबर ऑफ मोल्स पर बात करते हैं कभी न्यूक्लियॉन्स पर बात करते हैं कुल मिला एलिमेंट्री चीजें स्ट्रोचोमेट्रिक कैलकुलेशन नेक्स्ट एप्लीकेशन फाइंड द परसेंटेज ऑफ Orbitals occupied by electrons up to the outermost atom in chromium atom. अच्छे से एप्लीकेशन को देखें फिर अलग तरह का हमने एप्लीकेशन दिया सब कुछ बहुत एलिमेंट्री लेवल पर है अभी फाइन द परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन अपू द आउटर मोस्ट एटम नहीं ऑर्बिट इन क्रोमियम एटम सॉल्व करें प्लीज फाइन द परसेंटेज आराम से सॉल्व करें कहीं भागे नहीं जा रहे हैं एक लेक्चर दो लेक्चर हम लोग इस पर टाइम दे सकते हैं आराम से सॉल्व करें मेरे को बताएं दो मिनट टाइम और भी लोग जवाब दें फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स अप टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन क्रोमियम एटम सिक्सटी परसेंट या ट्वेंटी फाइव परसेंट या क्या होगा मुझे सॉल्व करना चाहिए अब आई थिंक सो चलिए देखिए, फाइंड द बहुत अच्छा एप्लीकेशन है आप अच्छे से पहले सीखे इसको इसमें कॉन्सेप्ट भी है फाइन द परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स अप टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन क्रोमियम एटम सबसे पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना अच्छे से देखिए वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस अच्छे से देखो फोर एस टू थ्री डी फोर न होके क्रोमियम नाइन होगा बेटा आपको ये होता है ठीक है आपके पास चौबीस इलेक्ट्रॉन होता है वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी हालांकि लिखना सिखाऊंगा आगे फिर भी इतना तो नाइन टेंथ से पता होगा कि क्रोमियम एस वन डी फाइव हाफ फिल्ड करते हैं हम ये जो बॉक्स है ना यही ऑर्बिटल है जैसे ये और ये सब सेल है ये सब सेल है सब ऑर्बिट्स और, और ये जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस ऑर्बिटल्स हैं सारे तो आपसे क्वेश्चन में ऑर्बिटल पर सवाल है अच्छे से देखिए आपसे बोला गया है कि कितने प्रतिशत ऑर्बिटल्स इंगेज्ड है ऑक्यूपाइड है इलेक्ट्रॉन ने छेक रखा है ठीक है आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक क्रोमियम एटम तो क्रोमियम का पहले देख लो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है फोर्थ अच्छे से सीखोगे थोड़ी भी सावधानी हटी तो क्वेश्चन गया और कॉन्सेप्ट भी बहुत सारा चला गया इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑर्बिटेटा कौन है फोर्थ तो पहले देखो कि अवेलेबल ऑर्बिटल्स कितने हैं

सेल आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा ठीक है चार सेल तक पहले सेल में सब सेल क्या होता है वन एस और दूसरे में दो सब सेल होता आपने पढ़ा है टू एस टू पी तीसरे में तीन सब सेल होता है थ्री एस थ्री पी थ्री डी और चौथे में बेटा चार सब सेल होता है फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ मतलब पांचवे में, में जाओगे तो पांच सेल हो जाएगा ठीक है तो देखो ये था आपका ऑर्बिट ये है आपका सब ऑर्बिट अब इसके बाद बारी है ऑर्बिटल की जो बॉक्स होता है इसमें सब में ऑर्बिटल्स निकालने हैं आपको कितने ऑर्बिटल्स है सारे में लिखने हैं ठीक है तो चलो आ जाओ नीचे ऑर्बिटल्स जो बॉक्स बनाते आप चलो आ जाओ वन एस में कितने और बाइटल्स है आपके एक उसके बाद आ जाओ टू एस में कितने एक टू पी में कितना पी में तीन बॉक्स आपने पढ़ा है थ्री एस में एक थ्री पी में तीन और थ्री डी में पांच सही है ये थर्ड का ये सेकंड का ये फर्स्ट का और फोर्थ में एस में चार एक एस का पी का तीन डी का पांच और एफ का सात क्लियर है अच्छे से देख लो अब बॉक्स बनाते हैं तो एस में आप कितने ऑर्बिटल्स लेते हैं यहां लिखो सब ऑर्बिट्स और यहां लिखो ऑर्बिटल्स बोलो एस में कितने एक पी में तीन डी में पांच एफ में सात जी में नौ ऐसे होते हैं ऑर्बिटल्स जो बॉक्स आप बनाते हैं तो बेटा आपके पास जो वहां पर सब ऑर्बिट्स है आउटर मोस्ट चौथा है तो चौथे तक में उपलब्ध तो कितने ऑर्बिटल्स हैं इतने अवेलेबल ऑर्बिटल्स कितने हैं अच्छे से देखो अवेलेबल ऑर्बिटल्स कितने हैं वन प्लस इसमें हो गया फोर प्लस इसमें हो गया फाइव थ्री एट वन नाइन और प्लस इसमें हो गया सेवन फाइव ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन वन सिक्सटीन तो कितना हो गया बेटा तीस ऑर्बिटल्स उपलब्ध है अब इसमें से देखो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स कितने है? कितने हैं? आराम से देखो ध्यान से तो थ्री पी तक ये सब इंगेज है टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी उसके बाद फोर एस भी इंगेज है और थ्री डी इंगेज है मतलब इतना खाली है आपका ये वैकेंट है तो कितने इंगेज है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन पंद्रह थे कितने तीस ऑक्युपाइड कितने हैं फिफ्टीन कितना परसेंट ऑक्युपाइड हुआ तो फिफ्टीन बाय थर्टीन टू हंड्रेड फिफ्टीन फिफ्टी परसेंट क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छा एप्लीकेशन था फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑर्बिट इन एटम क्रोमियमेशन लिखा हमें जानना कितना engaged, है। तो हमने टोटल पहले अवेलेबल लिखा और अवेलेबल लिखने के बाद हमने देखा कि इंगेज कितने है। तो 50 इंगेज है। से 30 में से 15 इंगेज है तो एक बड़ा अच्छा ये एप्लीकेशन था बहुत बढ़िया था उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी ठीक है तो इसके बाद मैं इस पर बेस्ड दी एक और एप्लीकेशन देता हूं पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले ठीक है और तैयार रहें अगले पेज की प्लीज तो ये इस पेज में यहां पर फिर हमने एक एप्लीकेशन दिया है उसी तरीके का बट थोड़ा सा हमने चेंज किया है एप्लीकेशन आपके सामने है Find the percentage of दो मिनट का समय ले मैं दे रहा हूं आप आराम से मेरे साथ सोल्व करें फाइन द परसेंटेज ऑफ सब ऑर्बिट्स ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन अपर मोस्ट ऑर्बिट इन आयरन एटम प्लीज जवाब दें आप लोग मैं इंतजार कर रहा हूं फाइन द परसेंटेज ऑफ सब ऑर्बिट्स ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स अप टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन आयरन एटम चलिए मैं सॉल्व करता हूं ठीक है आइए हमने इस बार बेटा सब ऑर्बिट टर्म डाल दिया और बाइटल हटा के ठीक है देखिए अच्छे से फाइन द परसेंटेज ऑफ सब ऑर्बिट ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन अपू दउटर मोस्ट ऑर्बिट इन सबसे पहले का करें. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, आपने किया भी होगा फोर एस टू थ्री टी सिक्स तो एक बार फिर से आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ है ऑर्बिट फोर्थ तो अब आ जाए टोटल अवेलेबल सब ऑर्बिट्स कितने हैं इस बार और बाइटल नहीं सब ऑर्बिट्स टोटल अवेलेबल सब ऑर्बिट्स कितने बेटा अच्छे से देख तो चौथे सेल तक मोस्ट तो पहला में सिर्फ एक होता है वन एस दूसरे में दो सब ऑर्बिट होते हैं अभी अभी आपने पढ़ा टू एस टू पी तीसरे में बेटा आपने अभी अभी पढ़ा तीन सब ऑर्बिट होते हैं थ्री एस थ्री पी और थ्री डी और चौथे में बेटा अभी अभी आपने पढ़ा चार सब ऑर्बिट होंगे फोर एस फोर पी फोर डी और फोर एफ सही है अब इसमें से इतने अवेलेबल है अब इसमें से ऑक्यूपाइड कौन कौन है जरा सोचो ऑक्यूपाइड सब ऑर्बिट्स कौन कौन है ध्यान से देख ए को वन एस टू एस में भी इलेक्ट्रॉन है रे टू पी में भी इलेक्ट्रॉन है थ्री एस में भी इलेक्ट्रॉन है इस बार और बाइटल नहीं जाना थ्री डी में भी इलेक्ट्रॉन है सेकेंड सेल फर्स्ट सेल और फोर के सिर्फ एस में इलेक्ट्रॉन तो कितने में इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक दो तीन चार पांच सात में और टोटल थे कितने टोटल अवेलेबल कितने निकल गए टू वन थ्री थ्री सिक्स फोर टेन टू वन थ्री थ्री सिक्स फोर टेन टेन में सेवन सेवन जो है आपका ऑक्युपाइड है तो कितना परसेंट हुआ सेवेंटी परसेंट कितना तो सिंपल क्वेश्चन था क्यों नहीं तुम लोग से बन पाता बताओ हुँ? इतना सारा एप्लीकेशन साथ में रह के करते हैं टाइम देते हैं उसके बाद भी आप लोग से गड़बड़ हो जाती है। सारे एप्लीकेशन को एक बार पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ एप्लीकेशन करवाया है उसको भी आप देखें एक मैं यहां पर लिख रहा हूं ध्यान से देखें फाइंड द परसेंटेज ऑफ जल्दी से आप सॉल्व कर दे तो ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स फिर पिछला क्वेश्चन दे रहा हूं अप टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिर पिछला क्वेश्चन ला रहा हूं क्रोमियम एटम बट थोड़ा सा जोर दे रहा हूं इफ हंट्स रूल इज वायलेटेड इफ हंस रूल इज वायलेटेड इफ हंस रूल इज वायलेटेड जल्दी से जल्दी मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर ले प्लीज गुड और भी लोगों के जवाब का मुंतजर हूं चलिए मैं सॉल्व करता हूं देखिए ध्यान से सबसे पहले हमने क्वेश्चन को तो पीछे बना ही दिया था लेकिन इसमें दे दिया इफ हंड्स रूल इज वायलेटेड हंड्स रूल क्या होता है जो आप डी में भरते हैं वन बाय वन ये हंड्स रूल हुआ और अगर आप हंड्स रूल को नहीं भरे मानेंगे तो आप इसको डायरेक्ट भरते चले जाएंगे पेयर करते हुए ये एंटी हंड्स रूल हुआ जैसे मान लो आपने डी लिखा तो डी के पांच सब ऑर्बिट्स में आप क्या लिखेंगे हंड्स रूल से वन टू थ्री फोर फाइव ना वन बाय वन जो ले जाते हैं यही रूल है अगर इसी को कोई बोलेगा एंटी हंस रूल में लिखने के लिए तो एंटी हंड रूल में पेयर करते हुए आप जाएंगे सही है। तो, क्रोमियम में आपने लिखा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री आराम से देखो थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन थ्री डी फाइव तो हंडस रूल तोड़ने का स्कोप यही है कह रहा है हंड रूल नॉट वायलेटेड इज वायलेटेड तोड़ना है टू टू वो ऐसे हो जाएगा तो अब बोलो मतलब अवेलेबल ऑर्बिटल्स कितने थे आपने तभी पढ़ा अवेलेबल ऑर्बिटल्स थर्टी थे अब ऑक्यूपाइड कितने हैं जरा अच्छे से देख लो ऑक्यूपाइड कितने इसमें एक ये एक ये तीन ये एक ये तीन ये एक और इसमें पांच में से तीन ही ऑक्यूपाइड हुए इस बार तो पंद्रह ना होकर के तेरह है तो कितना हो गया थर्टीन बाय थर्टी इन हंड्रेड थ्री परसेंट बहुत बढ़िया एप्लीकेशन तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी ठीक है और आज के लेक्चर में हमने कुछ अच्छे एप्लीकेशंस करवाए आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं आइसोटोप्स की दुनिया में जाऊंगा वहां से चीजों को स्टार्ट करूंगा तो आप दिए हुए एप्लीकेशंस को बार बार बनाए ठीक है और एक बार अपने से पिछले क्लास और आज के अप्लीकेशन को कलेक्ट करके उसको कर ले अगले लेक्चर में मैं आइसोटोप्स की दुनिया आइसोबार्स इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर फाइनोमिन को डिस्कस करता हूँ तो आज के लिए दोस्तों बस इतना थैंक यू सो मच